बीस प्लस 62 140। अरे यार टोटल करा फिर 1000 के लिए। बात तो वही है यार, बात तो इट इज व्हाट दे हैव डन। हमारा जब डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ तो चला तो अनंत समय तक। कब तक चला? ये तो तय है, डिसइंटीग्रेशन चलता रहेगा, बंद कभी भी नहीं। कम हो जाएगा वो एक, पर वो कम कभी मतलब जीरो कभी भी नहीं। तो मरना, अच्छा पाटिल मरना कब चालू कर दी? जीरो पे। कुछ तो जीरो पे भी मर गए और कुछ। मैं जैसे पूछूं कि भाई टी नॉट टाइम पे कब? कब? टी नॉट टाइम पर कितने पार्टिकल? ध्यान समझना, टी नॉट मान ले पार्टिकल था ऐसे एन, ये समझने वाला पॉइंट है। एन नॉट, टी नॉट टाइम पर ये कितना बच गया? एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, सॉरी एन नॉट ई की पावर माइनस। ये जो पार्टिकल्स हैं जो बचे हुए, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र टी नॉट नहीं है, टी नॉट से तो इनकी उम्र है जो टी नॉट टाइम पे डिसइंटीग्रेट हुए। टी नॉट टाइम पे कितने डिसइंटीग्रेट हुए? डीएन कितने डिसइंटीग्रेट हुए? कितने डिसइंटीग्रेट हुए? तो इस समय की इक्वेशन भी तो यही है, डीएन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा है। माइनस माइनस वो डिसइंटीग्रेशन दिखा रहा है। तो डीएन वो पार्टिकल्स हैं, डीएन जिनकी उम्र कितनी है? टी नॉट कितनी है? माइनस यहां लगा देते हैं माइनस डीएन, क्योंकि एन फाइनल माइनस। ये डीएन वो पार्टिकल्स हैं जिनकी उम्र टी नॉट है या टी है, क्या है? टी टी नॉट मीन टी मान लो टी टाइम पे। अरे यार टी टाइम वाले क्योंकि टी टाइम पे इतने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए, जो डिसइंटीग्रेट उनकी उम्र थी वो मर गए ना अब तो। उनकी उम्र कितनी थी? टी कितनी थी? कितनी थी? अप्रोच टी। तो डीएन पार्टिकल्स थे जिनकी उम्र टी थी, ये वैसी बात है। 60 साल की उम्र के 25 लोग, तो 60 × 25 अरे यार प्लस 61 × 35 अरे यार। अब पर हमारा तो टाइम अनंत तक है, तो क्या करें? इंटीग्रेट 0 to infinity बाय एन नॉट। अरे यार बाय यार तुम्हें नहीं आया, फील वाली बात है, बोलो है कि नहीं यार? ये उड़ गए तोते। अरे आया कि नहीं आया? आया ना। ओ बस फिर क्या था, 0 to infinity। अब सो डीएन की वैल्यू क्या है? लेमडा एन डी टी। पर एन की वैल्यू क्या है? एन नॉट। तो लिख लो लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी और एक और टी। ये टी की पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन आता है आपको? ये लेट भी लेट से करते हैं ना, किससे करते हैं? जैसे भी करता हो, समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए वन बाई लेमडा आती है। कितनी आती है? वन बाई लेमडा ही आती है ना। एवरेज लाइफ के लिए क्या होती है वो? चलो तो एक अलग बात। पहले तो तुम्हें लिखा कैसे समझ आया, क्योंकि उससे भी फील आती है अच्छा इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है। तुम्हें लगे कुछ लिखा हो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ आया एक्सप्रेशन कैसे आई? अरे पक्का। इसे एवरेज लाइफ कहते हैं, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई अपॉन एन नॉट। इसको सॉल्व करने पे ये कैसे करते हैं, ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? और पार्ट में क्या करेंगे? क्या कहेंगे? एक को हाँ हाँ भूल कैसे गया इसके लिए? ई की पावर लेमडा को टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट में करते हैं वैसे कर लेते हैं क्या? यार मैं क्यों भूल गया हूं इसको? हाँ तो हाईलाइट क्या होता था?
डिग्री से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ खैर, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या आपको एवरेज लाइफ समझ आई है? yes, यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आप एग्जाम्पल 17 पढ़ डालो, एग्जाम्पल 17 पढ़ डालो। अरे पढ़ा होगा ना पैरेलल रिएक्शन? नहीं पढ़ा? अगर एक ही के दो डीके हो सकते हो लेमडा वन और, तो इफेक्टिव लेमडा क्या हो जाता है? लेमडा वन प्लस। नहीं जानते? वही तो लिखा है, तो वही तो सवाल है। ये ऐसे कराया हो ना, ए से बी भी जाए और ए से सी भी जाए, तो लेमडा क्या हो जाता है? लेमडा वन प्लस हो जाता है ना। वही लिखा हुआ है बेसिकली, दैट इज द वन ऑफ द सेम थिंग। बोलो 17वां क्लियर है क्या? पक्का? 18वां देखो, 18वें में कुछ समझ नहीं आया भेजक पूछो। 18-19 की गणित थोड़ी सी है आपके लिए। अठारवा हाँ भाई, हो गया। ये गणित है सब। हाँ ये दोनों कराएंगे और इससे बहुत टफ कराएंगे केमिस्ट्री में, तुम्हें मुझे पता है अच्छे से। अपने लिए तो ये दोनों ही बहुत है बस, अपने से ज्यादा आता ही नहीं है, है ना। पर सवाल आते हैं, इसका मतलब नहीं केमिस्ट्री में सवाल नहीं आएगा। सवाल मान के चलो रिटेटी पे आपको जेई मिनी के एडवांस में सवाल पक्का मिल जाना है, और तुम्हें ढंग से प्रैक्टिस करी तो तुम्हें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जेई मिनी में थोड़ा थ्योरेटिकल मिल सकता है, वो क्या रटना है मैं आपको बताऊंगा, बट ध्यान रखना इसका सवाल नहीं आएंगे। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं या कम समय पढ़ा रहा हूं नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है पर अपन पढ़ चुके हैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बोला फैक्ट्री से एक कोई रिटेटी एलिमेंट बना जो फिक्स रेट पर बन रहा है, किस पे बन रहा है, फिर उससे ए बन रहा है और फिर उससे बी बन रहा है। समझ आया तो आगे बढ़ जाऊं। सबको क्लियर है? yes, एकदम पक्का? yes, अब इसके बाद वाला रजिस्ट्रेशन ए से बी, बी से सी, ये सबने कराया होगा जरूर। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में शायद टू ए से, ए से टू बी और ऐसे भी कराते हैं, वो तो बहुत टफ होते हैं। हमारे लिए तो हमारे तो फिजिक्स में तो यही बहुत है, ए से बी और बी से सी। एक बार फिफ्थ डिविजन के लिए पढ़ा लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते थे याद है, वही सब पढ़ो एक बार। एन नॉट मान लो, फिर एन वन एन टू एन थ्री मान लो, लेमडा टू टी और लेमडा का सफिक्स टू है वो, है ना, ऐसे टू मत लिख देना उसको, लेमडा का सफिक्स टू है वो। कोई तकलीफ? no, पक्की बात? yes, इसके बाद आ जाओ 9 न्यूक्लियर फिजन। ये वैसे न्यूक्लियर फिजन फिजन ये इसमें एडवांस में नहीं है, ऐसी कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड, इसको मैं और रटवाऊंगा बोर्ड की किताब से। कहां से? जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो बोर्ड से बताऊंगा भी सही क्या और रखना है इसमें थोड़ा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बताओ? फिजन, सॉरी फिजन क्या होता है? क्या बड़े पार्ट के छोटे में टूट जाते हैं? और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन वाली रिएक्शन अपने सन में हो रही होती है। अरे हाँ ना बोल। न्यूक्लियर बम क्या है? फिजन, फ्यूजन। किसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है? फ्यूजन में। बोलो क्लियर है? अलग अलग, हालांकि आजकल बहुत वैरायटी आती है तो एक अलग बात है, बट अपने बेसिक स्ट्रक्चर है वो है फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन और उनकी कुछ रिएक्शंस के बेसिकली फ्यूजन जो अपनी फिजन रिएक्शन आपको दिखाई देती है, ये फिजन रिएक्शन अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में है। कहां पे?
न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वहां पे जल्दी से यूरेनियम होता है उसमें, बेरियम क्रिप्टम में तोड़ रखा हुआ इन्होंने, दिया नहीं है, नहीं तो बेरियम क्रिप्टम में टूटता, एग्जाम्पल पे दिया हुआ थे। जनरली जब यूरेनियम न्यूक्लियर से उसमें किसमें टूटता है, वो बेरियम और क्रिप्टम में निकलते हैं, फिर उसमें वो लगे होते हैं। ये थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा मैं न्यूक्लियर रिएक्टर, तो टेंथ में आया था क्या शायद, ये वो मॉडरेटर लगाते हैं, फिर वो तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वापस वो रिएक्शन को चालू कराता है, टेंथ में होता है शायद, नहीं पढ़ा कभी। हैवी वाटर यूज करते हैं कूलेंट, वो सब बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा वो बोर्ड के हिसाब से, अभी सिर्फ आप इतना ही देख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन देख लो, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल। छोड़ो इसको पढ़ लेना है, और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आप पूरी कर सकते हो एक्सरसाइज 1, 2, 3, सब डन, मॉडर्न 1 मॉडर्न 2 सॉरी मॉडर्न 2 डन, प्योर प्रैक्टिस से आपको करनी है पूरी। इसमें मॉडर्न 2 में आपको एससी वर्मा करने की जरूरत नहीं, मैं एक्सरसाइज 3 में सवाल डाल दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मुझे लगे तुम्हारे पास फालतू टाइम है तो मैं करा दूंगा, पर उससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं, नहीं है सर फालतू टाइम नहीं है सर। तो आप एक्सरसाइज 2 कर लो पूरी, मतलब एक्सरसाइज 2 क्या ये पूरी कंप्लीट कर डालो, बोलो क्लियर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही हम समझ रहे हैं, एटम एटम के बारे में हमको चर्चा करनी है, किसके बारे में, एक्चुअली थ्योरी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, फिर मटेरियल है, किसका बना हुआ है हमें नहीं पता, पहले सबसे पहले तो पंच तत्व आते थे याद है कि नहीं, वो पंच तत्व की कहानी बहुत पुरातत्व थी, जो साइंटिफिक चालू हुई वो चालू हुई डाल्टन साहब से, कहां से, डाल्टन साहब, उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ पंचतत्व की कहानी, वो ठीक है उसमें हम नहीं बात करते हैं अभी, डाल्टन साहब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें, डाल्टन थ्योरी, उन्होंने बोला कि अस्तित्व में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, क्या है, और सभी मटेरियल एटम के बने हुए होते हैं, और सभी मटेरियल किसके बने हुए होते हैं, एटम के बने हुए होते हैं, ये इन्होंने बोला, और दुनिया ने इनकी बात मानी भी सही, दुनिया ने इनकी बात, इन्होंने सबसे पहली थ्योरी हमारे लिए आई थी, वो इन्होंने ये बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट इन्होंने मानी एटम, क्या मानी, जो कि न्यूट्रल होता है, क्या होता है, इन्होंने ये बोला न्यूट्रल होता है सर, ठीक है बहुत बढ़िया न्यूट्रल होता है, अच्छी बात, और इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अच्छा उन्होंने ये भी बता दिया कि पर किसी ने पूछा कि हर मटेरियल में सेम एटम होते हैं, नहीं, उन्होंने बोला अगर मटेरियल अलग है तो एटम, ये उन्होंने बोल दिया कि ऑल मटेरियल्स हैव डिफरेंट एटम्स पर इनकी एक सिंगल यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बेसिकली एटम होती है और वो न्यूट्रल होती है, बस इतना ही बोला इन्होंने। ये डाल्टन साहब की थ्योरी थी, काफी चीजें उन्होंने प्रूफ भी दिए जिन्होंने काम भी करा, हमें उससे मतलब होता है जो फाइनल थ्योरी अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट अपनी एटम आई, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मटेरियल्स हैव डिफरेंट, अरे सो मत, अरे हाना तो बोलो, कोई ब्रह वाली बात, इसका बना हुआ है, ठीक है भाई बढ़िया चलता रहा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इनकी थ्योरी को फेल मान ली गई, थ्योरी जब तक काम करती जब तक उसका कोई फ्लॉ, ऐसे नहीं तुमने कोई थ्योरी दी कोई मान लेगा, साइंटिस्ट होने चाहिए, इंटरनेशनल पेपर छपने चाहिए, ऐसे नहीं मैंने थ्योरी दी दुनिया खत्म होने वाली है, अरे हाँ ना बोल यार अब सब मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, यू शुड हैव अ प्रूफ और उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला कोई भी होना। 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसने कर दी इलेक्ट्रॉन की खोज, मैक्सवेल, नहीं कोई बात, एक छोड़, कालू हलवाई इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन इन 1897 और क्या, ठीक है छोड़ो, फालतू साइंटिस्ट, तो 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो बेसिकली इसका इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ये फेल हो गए, कौन हो गए, क्या हो गए, फेल। फिर थ्योरी आई किसकी, जे.जे. थॉमसन साहब की, किसकी, 1897 में उन्होंने थ्योरी दी जिन्होंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, क्या बोला,
प्लम पुडिंग मॉडल जेन जे जे थॉमसन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल आप बोल सकते हो जे जे थॉमसन मॉडल या प्लम सुना है क्या प्लम पुडिंग मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल बेसिकली तरबूज में बीच असल में हर साइंटिस्ट क्यों इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो ये बोल चुके थे इसके आगे इन्होंने रिसर्च चालू करी इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस थी इन्होंने बोला कि एटम तो है स्मॉलेस्ट यूनिट पर उसके अंदर भी कुछ है कि असलियत में एटम एक गोला है इन्होंने क्या बोला प्लम पुडिंग मॉडल में कि एटम एक गोला है ऐसे पॉजिटिव चार्ज का किसका पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है स्फीयर टाइप चीज है उन्होंने ये बोला एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन्स उसमें वैसे ही बिखरे हुए हैं जैसे कि आप समझो बीज कहीं पे भी बिखरे होते हैं किसमें तरबूज में किसमें जैसे तरबूज में बीज वैसे पॉजिटिव गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए होते हैं और एक कुल मिला के न्यूट्रल होता है और एक कुल मिला के और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इन्होंने बोला कि एक गोला मान लो पॉजिटिव चार्ज का किसका एक पॉजिटिव चार्ज का गोला मान लो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला ये चीज एटम होती है ये चीज जिसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया क्या बोला गया काफी दिनों तक इनकी बात मानी गई पर शायद 1920 या 1919 मेरे को एग्जैक्टली संतो नहीं यार कुछ 1920 के आसपास एक और चीज हुई जिसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सुना है आपने कभी मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज दिस मीन समझना क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मान लो कोई एटम है क्या है उसमें अगर हम कोई लाइट गिराए उसमें कोई बेसिकली समझो कि कोई एटम है बहुत सारे एटम हमने एक साथ रख दिए एक मटेरियल के उन पे हम कोई लाइट गिराए ऐसे समझो उस लाइट में लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे समझो वेवलेंथ है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसा समझो असलियत में एक फिक्स रेंज होती है अब आपने समझो कि एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है जिसमें सारी वेवलेंथ है जिसमें और वो इस एक मटेरियल पे गिरी वो मटेरियल से गिरकर जो बची उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया गया जेडनेस अरे हाँ ना बोले यार केमिस्ट्री में कहीं सुना होगा तुमने सुना है क्या जो फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है ना तो ऐसा समझो कि एक लाइट आ रही है क्या आ रही है एक लाइट आ रही है उसको मटेरियल के एटम्स में गिराया और जो लाइट बची उसको उस पर जेडनेस में ले लिया गया एमी किसे बोलते हैं यहां से निकला और जो बचा उसको यहां ले लिया और जो इसमें से निकला उसको अलग जगह ले लिया समझना अच्छे से हमने एक मटेरियल पे लाइट गिराई हमने एक मटेरियल पे लाइट बोलना सही शब्द नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराई क्या गिराई ऐसा जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी उसमें वेवलेंथ है जब उनको गिराया तो इस मटेरियल में से लाइट गिरी पास करी जो बच गई उसको एक जेडनेस की स्क्रीन पे ले लिया फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज अब इसमें कुछ कुछ हुआ वो कुछ कुछ होने के बाद जो उसने छोड़ा उसको अपने फिर एक और प्लेट पे लिया नहीं आया उसे क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम तुम्हें नहीं आया नहीं आया असलियत में आपको थोड़ी देर बाद समझ में अगर आपने बोर मॉडल पढ़ाओ तो ये कुछ एनर्जी लेके अपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है कोई भी एनर्जी लेता है या फिक्स फोटोन लेता है जैसे हाइड्रोजन होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसे हर एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग है तो एक फिक्स फोटोन ही लेता है वो अरे हाँ ना बोलिया तभी ऊपर स्टडी स्टेट में जा पाता है ये तो बाद में पता पड़ा बोर मॉडल में मैं आपको इसे फील करने के लिए बता रहा हूं बट ये तो बाद में एक्सप्लेनेशन आया ये एमिशन स्पेक्ट्रम पहले आ चुका था पहले कैसे जाना जाता था कि कौन सा मेटेरियल कौन सा है हर एक एटम का ये स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसे अगर लाइन्स आएंगी तो आयरन है ऐसे आएगी तो नियोन है हमने उन्हें नाम दे दिया अरे हाँ ना बोलिया और वो हर एटम का अलग अलग है तो एवरी इंडिविजुअल एटम हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एमिशन स्पेक्ट्रम और नियोन के लिए फिक्स्ड है अगर कहीं पे भी ऐसा दिखे तो समझ जाओ ये नियोन समझ जाओ ये तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे अच्छा लगेगा व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम सपोज मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा लेमैन की भाषा में कि अगर हम एक मटेरियल के एटम से एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराएं जिसमें सारी वेवलेंथ हो तो बैटरी में कुछ कुछ होता है जो बच के लाइट निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं और जब मटेरियल में कुछ कुछ होता है और फिर वो कुछ छोड़ता है ये छोड़ता क्यों है क्या वो अपर एक्सटेंडेड स्टेट में जाके वापस नीचे कूदता है जो बाद में पड़ोगे आप यार हाँ ना बोल तो फिर वो फोटोन छोड़ता है यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया कि नहीं आया तो वो जो मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ कुछ चमका और ये हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड है
हर मटेरियल के लिए फिक्स है कि भैया एनयून के लिए ऐसा एग्जॉशन ऐसा एमिशन। ये जब देखा कि हर मटेरियल के अलग अलग, इस बात को जेजे थॉमसन साहब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दूध दूध तो पता ही नहीं लगी इनको कि ऐसा क्या हो रहा है। ये क्या मेरी बात क्लियर है? असलियत में इसके पैरेलल में एक और एक्सपेरिमेंट हो गया था रदरफोर्ड, कौन सा, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे अपन अल्फा स्कैटरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुछ नहीं बता पाएगी इसके बारे में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? इसलिए सबसे पहले डाल्टन साहब आए, वो क्यों फेल हुए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन वो कुछ नहीं कर, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर पाए। फिर उनसे पूछा ये बताओ एमिशन एब्जॉर्प्शन, तो भी वो कुछ भी बता नहीं पाए। बोलो क्लियर है? तो उसके बाद उन्होंने ये थॉमसन साहब ने ये बोला जो कुछ कुछ बातों को एक्सप्लेन कर पाए, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर पाए वो, जो ये नहीं कर पाए थे, पर ये भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं। और व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, क्या क्लैरिटी है? उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, कौन आया जो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आया बोर मॉडल, कौन आया, फिर आया कौन, समरफी, क्या समरफी, वो अपने कोर्स में, अपन बोर पे रुक जाएंगे, अपन कहां रुक जाएंगे, अपन वहीं तक पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद भी मॉडल आ चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल पाथ भी दिखाते हैं, वो फिर हाइजेंस अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई फोर पाई, क्या होता है, टू पाई। अबे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल तो होता है केमिस्ट्री में यार, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई फोर पाई, जो भी होता ठीक है, वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज और वो सब बहुत बात की बात है, अपन यहां तक पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहली बात, अगर कहानी की शुरुआत करें तो पहले शायद पंचतत्व बताए गए थे, क्या बताए गए थे, पंचतत्व बताए गए थे, वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ चीजों में लिखा हुआ, उसको निकालते हो। साइंटिस्ट की भाषा में सबसे पहले डाल्टन थ्योरी पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, जिन्होंने बोला कि ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम एंड एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड एटम इज अ एंड इट इज डिफरेंट फॉर ऑल द अदर डिफरेंट मटेरियल्स, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, इतनी बात अपने डाल्टन साहब के लिए लिखनी चाहिए। तो पहले डाल्टन की थ्योरी लिखो, फिर जो मैं उसके फेल होने के कारण है वो लिख लेता हूं, फिर आपको सीक्वेंस में लिखाता चलते हैं सब कुछ अच्छे से। रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन थ्योरी, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन थ्योरी, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन थ्योरी, मॉडर्न की शीट लाया तो वो दे देना मेरे को। रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन थ्योरी, सिंपल छोटी सी हेडिंग डाल लो और लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बोलो क्लियर है? अब छोटी सी एडिंग डाल लो, मतलब ऑफ एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। मेरे को शीट दे दो, मेरे को यार मैं देखू तो सही क्या क्या उसमें देना है, शीट भी नहीं देते, अब मैं नहीं लिखा रहा, नहीं दे मत दो ठीक है, सब लोग अपने बैग में छुपा के बैठे हैं, कबूतर हिल जाए थोड़ा सा दे दे। हाँ, मतलब ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन, लिखो, अगर हम किसी मटेरियल के एटम से, अगर हम किसी मटेरियल के एटम से एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पास करें, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को पास करें, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को पास करें एनर्जी को पास करें जिसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद हों, जिसमें
जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ्स मौजूद हों, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ्स मौजूद हों, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचकर निकल आए, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए, तो जो मिलेगा वह उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, तो वह उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। बोलो क्लियर है? वो उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, फुल स्टॉप। पैरा चेंज, कुछ कुछ होने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल में से बाहर आएंगी, मटेरियल में से बाहर आएंगी, उनको अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए तो वह मटेरियल का एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इसी में पैरा चेंज करके, किसी भी मटेरियल के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसी भी मटेरियल के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूनिक होती हैं। किसी के पास टैबलेट है क्या? टैबलेट में किताब है आर्थर बीजर, पीछे इस टर्म में है किसी के पास? आर्थर कोई मत खोलो, बस मैं तुम्हें एक्स्ट्रा के लिए बता दूंगा कहां से क्या पढ़ लेना। आर्थर बीजर में खोलना रदरफोर्ड मॉडल, ऐसे एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा, बिल्कुल फालतू है एकदम। अब तुम सब खोलने लग गए, कोई भी एक खोल लो। पीछे खोल रहा है कोई? अब ये जे.जे. थॉमसन मॉडल लिखो, जे.जे. थॉमसन मॉडल लिखो। जे.जे. थॉमसन मॉडल साहब ने कहा। यार तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत खराब हो तुम।
انہوں نے کہا بد نہیں. اس میں پیج کہاں سے آئے گا؟ ایک سو پانچ پیج نکالنا ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ ایٹمس از بیسیکلی ا پازیٹیولی چارج اسفیئر. ایٹمس آر بیسیکلی پازیٹیولی چارج اسفیئر آر بیسیکلی پازیٹیولی چارج اسفیئر are basically positively charged sphere in which electrons are embedded randomly. In which electrons are embedded randomly. And net charge of the atom is zero. And net charge of the atom is zero, and the net charge of the atom is zero. Net charge of the atom is zero. Kya meri baat clear hai? Full stop. You can consider it as a seeds in a watermelon. You can consider it as a seeds. Seeds samajhte ho? Seeds in a water melon. Tarbuj mein beech. Tarbuj mein beech. Next we go failure of JJ. Reason of failure of JJ Thomson model. Reason of failure of JJ Thomson model. Reason of failure of JJ Thomson model. He could not explain emission spectrum. It could not explain the emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum and absorption spectrum. Secondly, it also not explains the stability of atom. Stability of atom. मतलब किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये सब ठीक है, आपने बोल दिया पॉजिटिव में नेगेटिव है, ये कैसे रह सकते हैं साथ? भाई इधर अट्रैक्ट कर जाएंगे तो कलेप्स कर जाएंगे. अरे है कि नहीं? आप कह रहे हो पॉजिटिव में नेगेटिव आपने से रख दिए, ऐसे तो अट्रैक्ट करके कॉलेज पर जाएंगे ना, क्या कर जाएंगे? तो इस बात का उनके पास कोई बहुत अच्छा आंसर, स्टेबिलिटी के बारे में उन पर कोई ज्ञान. और मेजर बात तो कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. और एक और कारण जो था वो था कि इस समय तक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ गया था. क्या आ गया था? वो क्या था वो तो अभी अपन बात करेंगे. तो लिखो, इट ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन्स द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, or we can say Rutherford experiment, or we can say Rutherford experiment. Nucleus ki khoj kisne kari thi? Nucleus. Are nucleus, neutron ki nahi keh raha hu, Rutherford sahab. Nucleus ka hi jo general data tha wo yahi the. Are yaar, छोड़ो कोई बात नहीं, साइंटिस्टों में मत कंफ्यूज हो. अरे चैडविक भाई, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस एक बात है, अलग अलग है. प्रोटॉन की किसने करी थी? गोल्डस्टीन. तुम्हें पढ़ा नहीं गया बिल्कुल ही, तो पहला चैप्टर होता है तो 11th में, तो इसको तो बहुत सीरियसली पढ़ता है बच्चा, इसलिए तो नहीं पढ़ा था साला. आखिरी वाले हम पढ़ते नहीं है, शुरुआत में क्या पढ़ना, पर बीच में साला समझ लिया पहले वालों के चक्कर में.
क्या कहते हो यार? रदरफोर्ड. कौन? अल्फा. इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं. अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या करा, बाकायदा ऐसी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होती है. जो मैं आपको किताब बताई ना, सबसे अच्छी किताब है मॉडर्न फिजिक्स की, आर्थर बीजर. कौन सी? आर्थर बीजर. पढ़ मत लेना, जीवन में कुछ समझ नहीं आएगा उसमें. मैंने भी 3 बार पढ़ी तब मुझे वो कुछ कुछ समझ. पूरी आउट ऑफ कोर्स है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बहुत छोड़. बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है. अगर आपको कभी रिलेटिविटी पे, चाहे डायरेक्शन ले लो, चाहे क्वांटम इफेक्ट ले लो, चाहे मैक्सवेल्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ले लो, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए. और बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ जाएंगी कि ऐसी है जो अभी तक भी हमने जान पाए नहीं है. वो वाली किताब सबसे अपर लेवल की किताब अगर मॉडर्न फिजिक्स की है तो आर्थर बीजर है, जो आपको अपलोड करके दी हुई है. उसमें से मैं बताऊंगा जो ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे. अपन जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं वो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, पर रिलेटिव में बहुत ज्यादा है. अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करा, अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें, अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करा मैं आपको समझाता हूं. इन्होंने क्या करा कि एक लेयर ली, किसकी? गोल्ड की. किसकी? आपने सुना था उसको गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. सुना है क्या? इन्हें फॉइल ली. गोल्ड को इसने लिया, गोल्ड बहुत मैलिएबल, मैलिएबल ही बोलते हैं ना इसको. हाँ, बहुत मैलिएबल होता है, पीट तो बहुत पतली लेयर उसकी. कई मटेरियल की ऐसी पतली लेयर बनती, इसलिए तो मैलिएबल होता है, इसलिए तो उसकी बहुत बढ़िया अपने ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं. पतला सा वायर. अरे हाँ ना बोले यार, इसलिए 1 किलो का ये साला येलो सोना है कि नहीं, तो ये छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स मिल जाते, इसलिए सोने एक तो चमकता है और वो बहुत मेलेबल है, इसलिए हमारे ऑर्नामेंट्स बहुत सारे उससे बनते हैं. खेटी. तो अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक फॉइल बना ली ऐसे, बिल्कुल पतली सी, थुल्ली, बहुत पतली. क्या चीज? ऐसे इसमें 10^-3 एमएम इस तरीके की होती है, बहुत पतली लेयर, ऐसे समझो काफी पतली लेयर. आप ऐसे समझो कि एटम्स, ऐसा समझो कि एटम की एक ही लेयर है, एटम की इतनी पतली कर दी इसको. असल में इतनी सी भी पतली लू ना तब भी उसमें शायद 25-50-100 लेयर होंगी. तो समझ नहीं पा रहा, एक एटम की लेयर मानने का मतलब हुआ एक एटम का कितना रेडियस होता है, 10^-10 मीटर. एक एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10^-10 मीटर. और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है 10^-15 मीटर. तो सोच कितनी पतली लेयर, 10^-10 मीटर. अरे यार, इतनी पतली लेयर तो एक लेयर मान पाओगे, 2-5 लेयर भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. समझो, ऐसा समझो कि हमने ऐसा अज्यूम करा कि इतना पतला इसे कर दिया कि वी कैन कंसीडर इट एज अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स. वी कैन कंसीडर इट एज अ, नहीं आया, इतनी पतली हमने लेयर ली, वेरी थिन, सो दैट वी कैन कंसीडर इट एज अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स. अब हमने क्या करा कि हमने अल्फा पार्टिकल क्या होता पता है तुम्हें? हीलियम न्यूक्लियस. क्या होता है? असल में रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी, कई ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, आपने सुना होगा. रेडियोएक्टिविटी जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना, रेडियोएक्टिविटी आपको पढ़ाई गई होगी केमिकल काइनेटिक्स के साथ. वो आपके इसमें भी है, किसमें? मॉडर्न में, मॉडर्न 2 के नाम से आपको पढ़ाई जाएगी. उसमें सवाल पक्का आएगा, पर मैं तो आपको 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा बस, पर उसमें डिस्कशन ज्यादा कराऊंगा. क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक चीज है, प्रैक्टिस बहुत होनी है उसमें बस. तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा माइनस, बीटा प्लस करते हैं. वो एलिमेंट लिया, उसमें से अल्फा न्यूक्लियस निकला. क्या निकला? अल्फा न्यूक्लियस का मतलब बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? उस समय तक ये नहीं पता था कि हीलियम न्यूक्लियस है, तो आज हमें पता है. जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जब न्यूक्लियस ही खोज नहीं, तो कौन सा हीलियम न्यूक्लियस भाई? अरे हाँ ना बोले यार. बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल था जो अल्फा पार्टिकल, जिसे नाम दिया गया, वो एक ऐसा पार्टिकल था जो कुछ एलिमेंट से बाहर निकलता था, जिसका मास होता था करीब 4 प्रोटॉन के बराबर. किसके बराबर? क्योंकि उसके अंदर याद करो 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 बोलो होते कि नहीं होते, और उसके ऊपर 4 होता है 2e. कितना होता है? 2e प्लस 2e. सोच रहे हीलियम न्यूक्लियस ही तो हुआ. कौन हुआ ये? पर ये तो बाद में पता पड़ा था. उस समय तक उसका नाम क्या रख दिया गया था? अल्फा पार्टिकल. क्या चीज? नहीं आया. तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, इज नथिंग बट. पर ये तो मैं बाद में पता पड़ा, पहले जब मटेरियल से बाहर आया करता था तो उसका नाम दिया गया क्या चीज? अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा जो पार्टिकल है बेसिकली आपका, जो अल्फा पार्टिकल है उसके बारे में अगर बात करें, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल का अप्रोक्सीमेटली मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. अस्तित्व में याद करो तो ये क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन और 2 यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है. तुम्हें बात पता नहीं है? पता है कि नहीं पता? इसलिए. और उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस 2e. इसका चार्ज होता है क्यू, इसका ये तो इसका मास हो गया. चार्ज क्या होता है? 2e. क्या होता है? तो बाद में पता पड़ा हीलियम न्यूक्लियस, जिसको ऐसे लिखा जाता है 2h4 2+.
अरे टू एच ई फोर, तुम्हें ये आता ही नहीं आता, हालांकि मैं इसमें चर्चा हुआ मॉडल टू में भी करूंगा, टू एच ई फोर टू प्लस, दिस इज अल्फा पार्टिकल, इज ये अल्फा पार्टिकल असली में मेटेरियल से बाहर आता है जो अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव डिके कर रहे होते हैं, उनमें से बाहर आ रहा होता है, वो जो बाहर वो उस समय तक आते थे, मेटेरियल तो था ही, तो ये पता पड़ गया था इस तरीके कोई पार्टिकल बाहर आता है, उस मेटेरियल से जो अल्फा पार्टिकल आए हैं उनको ऐसे समझो एक्सलेट करा कर, एक्सलेट क्या बनाया इलेक्ट्रॉन गन टाइप की, उनसे एक्सलेट करा के अपन इससे पास कराते या गिराते हैं पॉइंट पे। अब चूंकि एक एटम की लेयर है, चूंकि ये तो इन अल्फा पार्टिकल्स के बिहेवियर को देखा गया, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो क्या था लेट मी टेल यू, वो ये था कि बहुत सारे, मान लो हमने 1000 अल्फा पार्टिकल गिराए, 1000 तो ऐसा समझो 800-900 तो सीधे निकल लिए, कुछ वही नहीं उनको तो कि साला कोई फॉइल भी आई थी बीच में। अरे हाँ ना बोले यार, जब इस लेयर से हमने इसको पास कराया अल्फा पार्टिकल, अगर दो पार्टिकल टक्कर करा रहे हो पूरी लेयर है भाई साहब, तो ये टकरा के मुड़ जाना चाहिए था, पर 1000 अगर गिरा समझो 700-800 तो फर्क ही नहीं पड़ा, सीधे निकल लिए हो तो जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे कुछ कुछ थोड़े डेविट हुए, कुछ थोड़े ज्यादा कुछ कम, पर शायद 10,000 में से एक ऐसा हुआ जो पलट के नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट है, मैं चेंज नहीं कर सकता सर ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? जब हमने ऐसे देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, वेरी स्लाइट डेविएट्स बाय वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स डेविएट बाय लार्जर एंगल्स, एंड आउट ऑफ 10,000 ओनली वन डेविएट्स बाय 180 डिग्री, क्या नहीं आया? इट मींस व्हाट वी हैव कन, हु विल डेविएट द पार्टिकल, अल्फा इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा इज अ कौन डेविएट कर सकता है उसको, पॉजिटिव कौन कर सकता है? तो अगर 10,000 पार्टिकल गए उसमें सिर्फ एक ही पलटा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा हुआ है या एक ही जगह पे, और बहुत कम जगह है वो, और वो जगह बहुत, देन ही कंक्लूडेड दैट पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली एट द सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस, विच इज नोन एज सेंटर पे, और एटम के बहुत छोटे हिस्से में है वो है, एटम के बहुत हमने क्या ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्वेशन समझो, हमने ऑब्जर्वेशन क्या करी एक्सपेरिमेंट में, हमने ऑब्जर्वेशन करी ऐसा समझो कि आउट ऑफ 10,000 आउट ऑफ, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूं सारी चीजें जो किताबों में पढ़ा है, कोई मेरे पास फिक्स डेटा नहीं है, अंदाजे से बता रहे जिससे कंक्लूजन करा गया, आप ऐसे समझो कि आउट ऑफ 10,000 अप्रोक्सीमेटली 8,000 गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड, कुछ हुआ ही नहीं साला ऐसा होता है, क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली 1,000 या 1,500 डेविएट्स बाय स्मॉलर एंगल, डेविएट्स बाय स्मॉलर एंगल्स, बोलो क्लियर है? एंड 450 या अप्रॉक्स 500 डेविएट्स बाय लार्जर एंगल्स, ऐसे ही। और ऐसा बोला गया कि 10,000 में से एक, और वी कैन से वन डेविएट्स बाय 180 डिग्री, बोलो यस और नो? ये अंदाजा है, अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि कहां से गिर रहे हैं कैसे गिर रहे हैं बहुत सारी चीजों पर वो मैटर, बट ये हमें एक एनालिसिस देता है कि ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ तो हमने क्या कंक्लूड करा, इसे डेविएट कौन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने क्या अजम्पशन निकाला बताता हूं, उन्होंने सोचा इसका मतलब साला मैक्सिमम एटम खाली है, मैक्सिमम एटम साला खाली, तभी तो अनडेविएटेड जा रहा है, खाली तभी तो, इसलिए उन्होंने बोला कि इसका मतलब दिस, ये तो ऑब्जर्वेशन थी, पहली बार ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये क्या हुआ वो ऑब्जर्वेशन थी, और अब हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। अरे यार क्या एक्सपेरिमेंट था वो, ये है क्या करा हमने, अल्फा पार्टिकल जो रेडिएट मटेरियल से मिल रहे थे उनको उसमें डाला, किस पे? गोल्ड फॉइल पे, वो क्योंकि उसे बहुत पतली बनाया जा सकता है, और इतनी पतली बनाया गया कि हम ये मान सकते हैं कि वो एक ही लेयर है, तो बहुत सारी लेयर होगी तो फिर हम अजम्पशन ऐसा हमने, अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात? अब जब ऐसा हुआ तो हमने ऑब्जर्वेशन ये करा कि ऐसा हुआ, तो हमें कंक्लूजन क्या निकालना, साइंटिस्ट साहब ने जो सही भी बैठा कुछ हद तक, उनका कंक्लूजन ये था कि असलियत में एटम जो जेजे थॉमसन साहब ने बोला था वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, बट उन्होंने बोला कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होती है,
और बीच में एक जगह पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बहुत कम जगह होती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा जगह होती तो क्या ये ज्यादा डेविएट होते हैं? Yes, sir. क्या नंबर ऑफ डेविएशन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं? Yes or no? Yes, sir. तुम बेकार रिस्पॉन्स कर रहे हो यार. Yes, बोलो, समझ आ रहा है? Yes, sir. जो ऊपर से जा रहा है पक्की बात? Yes, sir. गारंटी? Yes, sir. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इसका मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे एटम का मैक्सिमम पोर्शन, कई लोग क्लास छोड़ देते ना ग्यारहवीं टॉपिक, तो सेमेस्टर चालू करा दिया आज, जैसे मैंने बता दिया था ये. गुजर गुजर चालू, एक और चैप्टर समझ नहीं आया. ऐसा ये देख, आजा, समझ आ रहा है क्या? अरे पक्की बात? और सुन, अब ये जो कंक्लूजन क्या निकाला गया, कंक्लूजन क्या निकाला गया कि मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बस खाली है वो. क्या है? खाली. और बीच में छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा, और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ ना बोल. तो उन्होंने बोला क्योंकि एम्प्टी है इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाते हैं, कुछ थोड़े थोड़े डेविएट होते हैं, कुछ ज्यादा डेविएट होते हैं, और शायद 10,000 में से एक वो होते हैं जो पलट के वापस आ जाते हैं, कुछ कुछ इस प्रकार. क्या मेरी बात क्लियर है? दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन, जो कई हद तक सही भी बैठा. किसी ने मुझे बोला एटम न्यूट्रल है, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन होते हैं पर वो घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं पर वो है. ये बात उन्होंने मान ली, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर पे और ए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऐसे घूम रहे होते हैं. अब इनमें एंगल वेंगल कितना डिवेट हुए, बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं, याद करो पता है सब कहां से बनता है? जो मैंने आर्थर बीजर आपको से कभी इच्छा हो तो मैं ज्यादा पढ़ने के पूरे एक्सप्लेनेशन है इसके. याद करो आप दूर से छोड़ोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन होगी, याद कर एंगुलम, याद कर लेटर शॉट एक्स वन, तीन सवाल कराए थे लगातार, कुछ याद है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कुछ याद है? याद है, भूल गया? पूरी कैलकुलेशन होती है भयानक, ढंग से करी जाती है तब वो निकल के आता है जो मैं आपको कह रहा हूं, मतलब ये समझा जाता है. अपन उसको कोई दूर दूर तक अपने को कोई लेना देना नहीं है, उस बात का कोई लेना देना नहीं है. 110% आपकी इच्छा हो तो मैंने इसलिए पेज खुलवाया था, अगर इच्छा हो तो लिख लो वेरी वेरी एक्स्ट्रा रेफरेंस, रीड आर्थर बीजर पेज नंबर 105 लिख लो, स्टाइल मारी गई है. मुझे इच्छा हो ऐसे ही टाइम पास एकदम. इधर देख, खैर मैं उससे अलग रखता हूं. तो बोलो क्लियर है? ये क्या चीज है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो आप खुद लिखो जो मैं बता रहा हूं. एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओगे क्यों थिनली? बोलो क्लियर है? पक्की बात? अल्फा पार्टिकल कहां से आते हैं? बोलो क्लियर है? पक्की बात? जब पहले लिखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें लिख लो. क्या कर रहे हैं हम? हमने गोल्ड लिया, गोल्ड क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेलेबल होता है. फिर हमने उसकी थिन लेयर ली, थिन लेयर इसलिए ली क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसा कंसिडर कर पाए कि एक ही लेयर है. Yes, हम ऐसा कंसिडर कर पाए कि yes, बोलो क्लियर है एकदम? Yes, ऐसा हम कंसिडर कर पाए इसलिए हमने ऐसा करा. क्या मेरी बात क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद आप देखना ऑब्जर्वेशन. क्या चीज? ऑब्जर्वेशन जो मैंने बोली ऐसा हो रहा है. बोलो क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप ऐसा बना लोगे और आप क्या लिखोगे? सब खुद ही को लिखना है तुमको. आप लिखोगे क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल अनडिविडेड गए इसलिए हम कहते हैं कि एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली है, और क्योंकि एक 10,000 में से एक पार्टिकल डेविएट हुआ 180 डिग्री से, तो और इसको डेविएट करने वाला पॉजिटिव ही हो सकता है, इसलिए हमने माना कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस. नोन एज न्यूक्लियस. तुम्हें बताओ एक फॉर्मुला दिया था, ए नॉट ए की पावर 1/3. सुना है कभी? शायद केमिस्ट्री में सुनाओ तुम्हें. मॉडर्न टू में तो बताऊंगा ही बताऊंगा. अरे हाँ बोल यार, नहीं आया. आर नॉट की वैल्यू 1.1 × 10^-15. अरे केमिस्ट्री में बताया होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. रदरफोर्ड कांस्टेंट वाली से तो वैल्यूज आती हैं, वो यहीं से आती है सब. जो मैं आपको, अरे यार क्या उसमें मत जाओ अभी. तो जो मैं बोला चमका. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देन ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन. मैं तुम्हें एग्जैक्ट पेज भी लिखवाता हूं अगर तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो. पेज नंबर कौन सा है? मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. There is a very small region at the center where positive charge is placed, known as nucleus.
known as nucleus. And electrons are revolving around it in circular orbits. And electrons are revolving around it in circular orbits. And electrons are orbiting around it in circular orbits. याद कर दो तीनों सवाल, वापस में नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनना कौन से तीनों सवाल, वो सब यहीं से होते हैं। सोच के देख, यहां पे गोल्ड न्यूक्लियस रख दो, क्या रख दो, जेड ई चार्ज, और मैं आपसे बोलूं कि यहां पे अल्फा पार्टिकल है जिसमें टू ई चार्ज है और इसका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अनंत से फेंका जाए वी नॉट रफ्तार से, बताओ मिनिमम दूरी कहां तक पहुंचेगा, क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो, नहीं आया, याद कर मैंने ऐसा भी सवाल करा था जिसमें इंपैक्ट पैरामीटर डाला था, क्या ये ऐसे गया था, बोल आपने क्या कंजर्व करा था, कुछ याद है आपको, वो सब सवाल दोबारा आ सकते हैं यहाँ पे, असल में सवाल कराए रदरफोर्ड मॉडल के लिए गए थे, उनका यूज वही ले लिया जाता है, बच्चों को इतने डिटेल में नहीं ले जाते हैं आपके उसमें कोर्सेज में नहीं है पूरा एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह की बातें होती है जो मैं आपको कह रहा हूं। अब ये जो अल्फा एक्सपेरिमेंट वाले याद कर, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन करते थे, क्या करते थे, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन। अब असल में जैसे जो फॉर्मुला है ना कि असल में कितने अपन वो करें, उसका बहुत बड़ा फॉर्मुला होता है, वैसे मान लो कि आपका पार्टिकल डेविएट कर गया थीटा एंगल से, कितने से, थीटा एंगल से डेविएट कर गया, तो मान लो हमने एन पार्टिकल्स डाले, कितने डाले, एन अल्फा पार्टिकल्स डाले, कितने डाले, एन, तो कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पे डेविएट होंगे, इसका एक फॉर्मूला दिया गया डल रेस्पॉन्स, ध्यान समझना, मान लो मैंने एन पार्टिकल्स डाले, एन कौन से पार्टिकल, मैंने एन अल्फा पार्टिकल डाले, तो थीटा पे डेविएट होने वाले पार्टिकल सारे होंगे या कुछ होंगे, कितने होंगे, उसका फॉर्मूला आता है बहुत, तीन चार पेज की कैलकुलेशन है जो मैं आपको किताब उसमें बता रहा हूं, पागलों की तरह कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से भी और इससे भी, बिल्कुल दूर दूर तक कोई कोर्स में नहीं, ये भी एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मुझे लगता है शायद इस पे से कुछ आ जाए, क्योंकि एक शायद एम्स में कहीं पे एक बार एक सवाल देखा हुआ है मैंने, अपने इसमें तो नहीं है कहीं पे भी, पर वो आ सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, एन थीटा, एन कितने पार्टिकल थीटा एंगल पे डेविएट हुए, ये प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई साइन 4 थीटा बाई 2, हो सकता है केमिस्ट्री में बताया हो, मैं बताया हूं, मैं भी स्टाइल ही मार रहा हूं, बहुत ज्यादा काम का, अरे हाँ ना तो बोल, पहले समझ क्या चीज देता है ये, असलियत में कि अगर एन अल्फा पार्टिकल गिरे, कितने गिरे, या तुम रेस्पॉन्स नहीं देते यार, एन अल्फा पार्टिकल गिरे तो कितने पार्टिकल थीटा एंगल पर डेविएट हुए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/3, कोई आगे पूछे 30 डिग्री में कितने पार्टिकल डेविएट हुए, सवाल कैसे आया था मैं बताता हूं एक्जेक्टली, किसी एक अच्छे एग्जामिनेशन का सवाल मुझे याद है, अपने इंजीनियरिंग में तो नहीं था वो, सवाल यह था कि अगर 30 डिग्री पे 600 पार्टिकल डेविएट हुए तो बताओ 60 डिग्री पे कितने होंगे, वो यहीं से आना था, अरे यार तुम्हें बात चमकी नहीं मेरी, सवाल क्या आया था बोलो, क्लियर है, अगर आपको बोला जाए कि 600 पार्टिकल डेविएट हुए कितने पे, 60 पे, तो क्या अपन यहां कुछ भी लिख सकते हैं, एन थीटा के बाई दिस, तो फिर एन 60 600 लिख देंगे, यहां पे 60 लिख देंगे, तो 30 पे कितने होंगे, क्या वो निकल आएगा या नहीं निकल आएगा, इसलिए वो काम आया था। असली में जेड स्क्वायर की भी प्रोपोर्शन होता है, जेड स्क्वायर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर, आप लोग तो शायद ये वाला काम आ सकता है, ऊपर वाला जो मैं कह रहा हूं, कुछ कुछ मेरी बात चमकी, अब मुझे देखने तरफ से सवाल पूछ लू कि सपोज 500 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, फाइनल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, क्या आप निकाल सकते हो, यस सर, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, और तो ये रदरफोर्ड का बहुत टिपिकल सवाल होगा, रदरफोर्ड में सवाल आने के चांसेस कम है, आएंगे तो भी वो थ्योरेटिकली आएंगे, पता जो मैं बोला क्या चमका, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कुछ हो सकता है, तो लिख लो स्लाइटली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन, इनका मतलब लिख लेना, एन थीटा इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा एंगल, एन थीटा इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा एंगल,
डिवाइडेड एट थीटा एंगल, इन्होंने साथ साथ में ये भी बोल दिया इलेक्ट्रॉन, किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, बोला सिंपली आप ऐसा समझे कि न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ही है, कितना है Z. और यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो रिवॉल्व ऐसे कर रहा है कि सिंपली इसकी जो रफ्तार है v, उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाई r, इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज बैलेंस्ड बाय, ये बात इन्होंने बोल दी थी। हालांकि इस इक्वेशन का यूज उन्होंने भी करा, किसने, बोर, पर ये इन्होंने बोल दिया था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, तो उन्होंने बोल दिया, किसने बोला इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे, क्या क्या है मजाक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इन्होंने बोल दिया था mv स्क्वायर बाय r के जेड ई ई r, अब एम स्क्वायर बाई आर पागल ही है, के जेड ई इंटू ई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन वो बोल चुके थे, कौन, रदरफोर्ड साहब। और उन्हें ऐसे में याद करो तो आर बराबर आर नॉट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद है आपको, आर बराबर आर नॉट ई की पावर वन बाई, ये अपन वहां पे पढ़ेंगे किसी शुरुआत में, मॉडर्न टू की शुरुआत में, आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इनको कैसे आइडिया लगा न्यूक्लियस के रेडियस का, उन्होंने बहुत रफ्तार में अल्फा पार्टिकल गिराया, अरे यार जो पार्टिकल 180° से डिवेट हुआ मैक्सिमम क्या टच कर सकता है, न्यूक्लियस की पेरिफेरी को, ऐसा माना गया, अरे यार आना बोल, व्हाट दिस अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम कैन डू, व्हाट इज, व्हाट विल द क्लोजेस्ट मिनिमम अप्रोच, ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, क्या इस न्यूक्लियस के रेडियस को जाकर टच कर सकता है, तो जब बहुत एक्सेस पार्टिकल्स और ये करे गए तो वो देखा गया कि इससे ज्यादा मिनिमम दूरी जाती नहीं, तो हो सकता है कि न्यूक्लियस सही में इससे भी छोटा होता हो, पर जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो होते हैं आर बराबर आर नॉट, और वो कैसे निकला बोलो, समझ में आया थोड़ा थोड़ा, वो अपन जो करते ना ऐसे न्यूक्लियस मान लो, ऐसे पार्टिकल अगर सीधा आया तो मिनिमम कहां तक जा सकता है, सोच बहुत रफ्तार में हो तो भी उससे ज्यादा जाना पॉसिबल, तो वहां से आया आर बराबर आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री, ए इज वॉट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मास नंबर, क्या चीज, आर नॉट एक कॉन्स्टेंट होता है 1.1×10⁻¹⁵ नहीं आया वो फेमटोमीटर में जो चलता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, किसका, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है अप्रोक्सीमेटली, वो यहीं से आता है आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ए इज द मास नंबर, चलो यहीं पे बात सुन लो, इसकी वैल्यू होती है 1.1×10⁻¹⁵ मीटर्स में चल रहा होता है ये सब, उसमें चलता है 10^-15 में, ये बोला गया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी रेंज होती है 10^-15 में, और जो एटम होता है कौन होता है, एटम, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस, और जो एटम होता है उसका रेडियस लगभग लगभग कितना होता है 10^-10, क्या 10^-10 बहुत बड़ा है, पर इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत, ये भी छोटा है, पर ये इसलिए बोलते हैं कि एटम की मैक्सिमम स्पेस, बाद में आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि इस न्यूक्लियस की डेंसिटी 17 kg/m³ में आती है, अगर इतना हैवी न्यूक्लियस के सारा मटेरियल बन जाता है तो हम एक किलो के इतने से मटेरियल को भी नहीं उठा पाते शायद, इसलिए यह पता पड़ता है हमें कि बहुत डेंस मटेरियल हो सकते हैं, इसलिए कई बहुत छोटे छोटे प्लेनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती से हजारों गुना ज्यादा है और वो हमसे बहुत छोटे हैं, जिसे शायद ब्लैक होल्स कहते हैं, जिनसे फोटोन भी एस्केप, क्योंकि फोटोन में मास आ जाता है जब वो ट्रेवल करता है, अरे यार हाँ ना बोल, इसलिए, और हो सकता है वो बहुत बड़े नहीं होते पुल, जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियस, क्या पढ़ोगे, सोच न्यूक्लियस का जो एक एटम का मास है वो 10^-15 मीटर में होगा, सोच के देखो, आप सोच देखो, मैं कह रहा हूं चार प्रोटॉन है मान लो, कितने प्रोटॉन का मास मान लिया कि 1.67×10^-27 kg है, अरे पर रेडियस भी तो 10^-15 है, सोच उसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो 4/3 πr³ आएगा, तो 10^-15 में चला जाएगा, तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आएगी वो बात बताऊंगा, वो आएगी 10^17 kg/m³, मतलब अगर 1 m³ का गोला ले लो तो उसका मास होगा 10^17 kg, उठा नहीं सकते आप इतने बड़े गोले को अगर न्यूक्लियस का बन जाए तो, अरे यार पर वो ऐसी एग्जिस्टेंस हो सकती है, इसलिए शायद ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, और जिनका यह होगा वो इतने से भी बहुत बड़ा मास होगा और उसका ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हम उससे एस्केप नहीं कर सकते, उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा होगा, बस वहीं चिपक ही जाके निकल नहीं सकते, अरे यार सोच देखो ना कैसे निकलोगे, निकल नहीं सकते आप, तो सिर्फ फोटोन भी वहां नहीं आ पाते, इसलिए बोलते हैं ब्लैक होल से लाइट भी एस्केप नहीं करती, उससे अंदर क्या होता है हमें पता, पर जो एक थ्योरी ब्लैक होल्स के बारे में वो जो है वो है जो मैंने अभी आपको बोली, विच मेक सेंस, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया, बताओ जो बोला चमका।
इस तरह की बातें करी, खैर मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। तो मैं न्यूक्लियस और ये अपना एटम है, ये थोड़ा बहुत और लिखो तो आपको याद रहेगा। रदरफोर्ड साहब ने काफी, रदरफोर्ड साहब का काफी